जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मेरी छोटी बहनों के लिए है। बार बार वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर SSCGD आपने गर्ल्स पे एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो ये ओनली गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स की जो फाइनल मेरिट है उसके बारे में ये वीडियो की कितनी जा सकती है, उनकी मतलब किस नंबर पर वो सेफ हो सकती है, पिछली जो मेरिट गई है उनके आधार पर कितने नंबर पर वो सेफ हो सकती है। अलग अलग स्टेट से, मैं कुछ स्टेटों के तो ओपनली बता सकता हूँ कि भाई इन स्टेटों में इस नंबर पर मतलब सेव हो सकती है। मैं 100% नहीं बोलता, लेकिन हाँ कट ऑफ से इतना ऊपर जा सकती है, ये अकॉर्डिंग टू डिटेल है। पिछली कुछ डिटेलों को कंप्रोमाइज़ करके कंपेयर करके इसको भी मैंने कंपेयर किया है, तो उसके हिसाब से। तो ये प्यारी बहनों के लिए है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रखी है। सबसे ज़्यादा टेंशन वही है सभी के लिए कि पड़ोसी बहुत पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मतलब पूछ पूछ के परेशान कर दिए कि क्या हुआ तेरी भर्ती का। ये समय हमने भी बिताया है और आपके सामने अब आ रहा है। हमको पता, हमसे थोड़ा सा इंतज़ार आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन हाँ टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेना है। कईयों के 7 नंबर ज़्यादा, कईयों के 10 नंबर ज़्यादा, कईयों के 15 नंबर ज़्यादा, वो भी पता नहीं पागल की तरह टेंशन ले रही मेरी बहनें। तो प्यारी बहनों, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। तो आपको बता दूं मैं कि अगर आप राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, गुड़गांव, मध्य प्रदेश, इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप मान के चलिए कट ऑफ से पहले इनकी जितनी मेरिट बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है, उसके बाद में ज़्यादा अंक नहीं उछलती हैं। अगर आपके 3 नंबर से अगर ज़्यादा है तो आप मान लीजिए सेफ हो बिल्कुल। अब मान के चलिए बिल्कुल सेफ हो अगर आपके 3 नंबर से ज़्यादा है। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 4 नंबर से अंक ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ हो सकते हो। इसके बाद में आपका नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब खतरे में कौन है इन स्टेट में? इन स्टेट में खतरे में है जिनके नंबर है 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा 2 ज़्यादा 3 2, मान लीजिए जो 2 नंबर वाले, 3 वाले तो सेफ है। जैसे OBC है, CST में अगर प्यारी बहनें हैं तो आप तो सेफ हो। आप जब रिजल्ट आए तब भी देख लेना, इतना ऊपर नहीं जाएगा आप, क्योंकि ये होता है इन स्टेट में। क्योंकि जब कट ऑफ जाती है तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस लेवल पे आके रुकते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ जितनी हाई जानी होती है उस समय चली जाती है। कट ऑफ के बाद में, मेडिकल फील्ड के बाद में लड़कियों के जो नंबर है वो ज़्यादा अंक नहीं उछलते। इसका आप अगर आपके कोई पहले से अगर है फोर्स में तो उनसे पूछ सकते हो कि उनके टाइम में कितनी गई थी। आपको ज़्यादातर यही बोलेंगे कि जिस लेवल पर कट ऑफ गई थी उसी लेवल पर फाइनल मेरिट चली गई। यूपी में आप 2017 की चेक कर लेना, राजस्थान में आप 2017 चेक कर लेना, हरियाणा में आप 2017 चेक कर लेना। ज़्यादातर आपको आंसर यही मिलेगा कैटेगरीज में कि जिस नंबर पे कट ऑफ गई थी उसी नंबर पे फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। 2017 2013 कर लेना, 2013 में तो वेटिंग लिस्ट में भी हुआ है सिलेक्शन सेम नंबर पर जिनका मेडिकल हुआ, तो उस समय तक आपका नंबर आ सकता। लेकिन अगर सेफ की बात करो मेरे से, अगर मैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भरोसे नहीं रख सकता और झूठा दिलासा नहीं दे सकता, मेरे ख्याल से अगर आप सेफ तभी हो इन स्टेट से हो तो आपके 3 से 4 नंबर अगर ज़्यादा है, अगर आप OBC SST में आते हो और आपके 3 नंबर प्लस है तो आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। साथ ही अगर आप जनरल से हो, अगर आपके 4 या 5 नंबर अगर इसे ऊपर जितने भी नंबर है तो आप सेफ होने के आपके काफ़ी कंडीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें असम, आंध्र प्रदेश या अदर कोई स्टेट है, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, उड़ीसा, बंगाल, इन स्टेटों में, तो इन स्टेटों में भी आप ये मान के सकते हो ज़्यादा जंप इनके तो लेवल पे ही रह सकती है, ज़्यादा जंप नहीं करेगी। जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनका रिजल्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट से आ रखा है, तो वो तो काफ़ी सेफ है, क्योंकि उनके जनरल डिस्ट्रिक्ट से इसीलिए आया क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं। तो आप ये मान के चलिए आपका जो इन स्टेट्स उड़ीसा इधर से जो बिलोंग करती है प्यारी बहनें SC ST या OBC वाली, तो उनको तो मैं बोल रहा हूँ आप अगर सेम नंबर पर भी हो, अगर 2 नंबर भी आपके ज़्यादा है तो आपका नंबर आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि पिछली बार अगर उड़ीसा की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट की मैंने मेरिट देखी थी, वो सेम नंबर पर, लड़कों की भी सेम नंबर पर है, लड़कियों की तो होनी होनी है, लड़कों की भी सेम ही नंबर पे है उड़ीसा के, मैंने कई डिस्ट्रिक्ट की देखी है तो सेम ही नंबर पे है। तो आप ये मान के चलिए अगर आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा है तो आप सेफ हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, किसी के 7 8 10 नंबर ज़्यादा है उनको चॉइस पोस्टिंग मिल जाएगी जो आपने किया है। सबसे ज़्यादा अच्छी, अगर मेरे से पूछो कि कुछ लड़कियाँ भी पूछती हैं कि सबसे अच्छी चॉइस कौन सी है, तो SSB, CISF, CRPF, इस प्रकार से अगर आपकी जिसकी जैसी चॉइस की है उसी हिसाब से मिल जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आपने ये कैटेगरी चूज़ की तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर बात करें फाइनल मेरिट, इनके अलावा अगर कोई स्टेट बचा है, तो अगर कोई भी बचा है तो उनके लिए बता दूँ कॉमन, जो अगर आप नंबर लेके चलोगे तो मैं बोल रहा हूँ जिनके
अगर कॉमन नंबर अगर आप लेके चलोगे तो जिनके चार नंबर है प्लस उनका सिलेक्शन हो ही जाना है। और अगर वो मेडिकल फिट है, हाँ भले ही वो री मेडिकल के बाद में मेडिकल फिट हुए चाहे पहले फिट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मेरिट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप री मेडिकल में भी फिट हुए हो या पहले ग्राउंड फिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले बता दे रहा हूँ, ये भी कईयों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर हम री मेडिकल फिट हुए डायरेक्ट मेडिकल फिट हुए। और हाँ, डायरेक्ट मेडिकल फिट होते हैं, उनके पास में कोई प्रूफ नहीं होता है। ये भी घबराने के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है मेडिकल फिट है। जो नहीं फिट होते उनको देते हैं वापस वहाँ पर रिमेडिकल कराने के लिए। जो फिट हो जाते हैं उनको कोई प्रूफ नहीं देते हैं। तो आप इस नंबर पे सेव हो। तो ये बहनों के लिए अगला वीडियो आपके लिए मैं ट्रेनिंग पे बनाऊंगा बहुत जल्दी, उसमें आपको ट्रेनिंग की पूरी डिटेल दे दूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। और जो प्यारी बहनें आप तैयारी करने वाली हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, आप उस ग्रुप का भी नीचे लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम का भी मेरा नीचे लिंक रहता है। बाकी जो भी मैंने वीडियो बनाई इनसे संबंधित उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में वो जुड़ सकता है जिनको आगे तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम की, तो मैं उस पर उस मटेरियल से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा।